यदि आप लोगों को सिलेबस के अलावा और भी अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे लिंक पे आप विजिट करके वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो बीमा की रेखा होती है यानी डायमेंशन लाइन, ठीक है, किस किस टाइप की होती हैं, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये दो टाइप्स की होती हैं, ठीक। और आज हम बात करेंगे इन दो टाइप्स के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से सेप साइज़, लोकेशन और बाकी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है वो एक दिशा में बना हुआ है, दिख रहा है आपको? मतलब अगर आप नंबर सिस्टम को ध्यान देंगे, जो नंबर बना हुआ है वो क्या है, एक्स प्लेन पे बना हुआ है हमारा, वाई प्लेन में भी सो है, हाइट तो है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो लिखने का ऐसा तो नहीं ना है कि थ्री जो है ईस्ट साइड से लिख दे रहा है और टू जो है आपका वेस्ट साइड से लिख दे रहा है, पलट उलट पलट तो है नहीं। तो ये इस तरह के जो भी डायरेक्शन देते हैं वो एक डायरेक्शन के लिए यूज होता है। इस सिस्टम का नाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस सिस्टम को आप पढ़ भी सकते हैं, जस्ट उसके बगल में है। अब नीचे की बात करें, कहने के लिए तो अगर आप फिगर 1.10 देखेंगे तो चैन डायमेंशनिंग लिखा हुआ है जिसकी डायमेंशन जो है 56 है। तो ये देखिए, ये चैन डायमेंशनिंग ये कहता है कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और ओवरऑल यूनिट क्या है। वो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को आप चैन नहीं कह सकते हैं। अगर ऊपर वाले का अगर 1.9 फिगर की बात मैं करूं तो 30 है, 20 है, 20 है, टोटल कितना हो गया है 7, 70 ये हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जब बात करेंगे तो उसको आप चैन डायमेंशनिंग करेंगे, ठीक है, और नहीं तो क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा सिंगल डायमेंशन सिस्टम कह सकते हैं या जो डायरेक्शनल सिस्टम भी इसे कहा जा सकता है। चैन सिस्टम में ओवरऑल का सिलेक्शन हो जा रहा है। जस्ट उसके बगल में ही देखिए आप 1.10 का बी वाला डायग्राम देखिए, तीन इस पे सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ से इनिशियल डिस्टेंस बता रहा 20 का और उसका 30 30, और ओवरऑल कितने का है 100 का। तो देखिए 30 30 60 हो गया, 20 20 40 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है आपका 100। तो वो कौन सा है, वो चैन सिस्टम है कि ओवरऑल ले करके। और ऐसे अगर सिंगल की बात करेंगे तो वही डायरेक्शनल सिस्टम हो जाएगा। अब आप फिगर 1.10 देखिए, फिगर 1.10 देखेंगे तो ये एक स्टेप टाइप में है, ठीक है, इसको स्टेप डायमेंशनिंग भी कहा जा सकता है, ठीक है। और स्टेप डायमेंशनिंग में ये होता है कि 1 by 1 सीक्वेंस में वो बताएगा, मतलब एक फर्स्ट पॉइंट जहाँ से फिक्स है और वहाँ से आप ऑफसेट कितने लेते जा रहे हो। अपने आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑफसेट का क्या यूज है, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे मैंने मोडिफाई वाले जो टॉपिक है उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि कितने टाइप के जो बेसिक मोडिफाई टूल्स होते हैं उनका यूज किस टाइप से है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि पहला जो अगर आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव टाइप वाला डायग्राम, तो वहाँ पे पहला 20 है, फिर 35 है, फिर 55 है, फिर 85 है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव है, लेकिन सर अगर 85 वाला है तो उसको हम चैन नहीं कह सकते। देखिए, अब ये है कि आप रेफरेंस पॉइंट किस बात का ले रहे हैं, यही मैं कह रहा था, ऑटोकैड में रेफरेंस पॉइंट बहुत मैटर करता है। अगर आप टोटल रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और टोटल अगर आप शो कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेसिव टाइप नहीं होगा, तब ये 85 आपका कौन सा हो जाएगा, चैन डायमेंशनिंग हो जाएगा। अगर 20 या 35 और 55 की अकेले इंडिविजुअली अगर आप बात करेंगे तो सिंगल डायमेंशन का जो शो हो रहा है वो डायरेक्शनल सिस्टम के थ्रू होगा, क्लियर है ना, इस तरीके से। और नहीं तो अगर आप पूरे को काउंट कर रहे हैं 20 35, ठीक है, 55 85, तो ये जो है प्रोग्रेसिव टाइप होगा। जस्ट उसके बगल में एक और देखिए, प्रोग्रेसिव का बगल में आपको सर्कल टाइप में भी आपको समझाया हुआ है, 0 से चालू हुआ है और 105 तक गया हुआ है, 105 तक गया हुआ है, तो सेम यही चीज़ है। अब फिगर जो है 1.12 पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब देखिए पैरेलल टाइप क्या होता है, ठीक है, ये इस इमेज को देखेंगे तो
देखिए ये ऐसा लग रहा है इस इमेज का, क्योंकि देखिए ये इसको दिखाया हुआ है वाई एक्सिस पे, और देखिए इसमें क्या है, अगर आप पहले वाले फिगर की बात करें 1.9 वाली, तो देखिए जो नंबर है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, और 1.12 फिगर वाले को देखिए कि इसमें नंबर किस तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो बगल में बना हुआ है वो डाया है, डायामीटर, ठीक है। रेडियस के लिए ऊपर 1.9 में देखिए 15R लिखेगा, रेडियस के लिए R लिखेगा, और डायामीटर के लिए इस तरीके का साइन आपको लगाएगा, ठीक है। और ये आपको एनोटेशन पैनल में मिलेगा, क्लियर है इतनी बात। तो अब देखिए कि इसका फेस जो है वो घूम चुका है, और 1.9 वाले का फेस नंबर का दूसरे तरीके से, तो देखिए इसको भी आप डायरेक्शनल सिस्टम तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फिगर को देखें तो ये पैरेलल टाइप का है, यानी अगर बीच में से देखिए ये कटा हुआ है ना, यानी ये इसका मिरर इमेज बना हुआ है। मिरर मतलब उल्टा प्रतिबिंब, वही बताया हूँ आपको, समझना होगा तो मेरे वीडियो में आप चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा मॉडिफाई पैनल में, ठीक है। तो ये मिरर इमेज बना हुआ है, जिसको जब भी मिरर इमेज की बात करेंगे और मिरर इमेज का टोटल डायमेंशन आप निकालेंगे, देखिए क्या है, अगर ये ऐसे रहता तो ये 10 इधर रहता, 20 उधर रहता, 40 उधर रहता, लेकिन इसने क्या किया है कि मिरर कर दिया है, इमेज दुगुनी हो गई है, ठीक है, मतलब उसका विपरीत हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया इसका डाया, 20 का, 10 का 20 हो गया, 20 का 40 हो गया, और 40 का 80 हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। तो ऐसे इमेज को हम पैरेलल टाइम डायमेंशनिंग कहते हैं। जस्ट उसके बगल में देखिए, ठीक है, इसमें भी वही है, मिरर इमेज बना हुआ है, ठीक है। डेटम सरफेस देखिए, तो वही चीज़ है, सारी चीज़ें हैं। और इसकी डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे तो देखिए मिरर इमेज तो है, ठीक है, लेकिन जो डायमेंशन बीच में दिया हुआ ओवरऑल कितने का है, 100 का है, ठीक है ना। तो जो ये 100 का है, 1.1 फिगर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो ये 100 का लिखा हुआ है ओवरऑल, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिंगल डायरेक्शन सिस्टम, या चैन सिस्टम, या स्टेप सिस्टम, या पैरेलल सिस्टम। आपको समझना होगा इस बात को बहुत अच्छे से कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा जा रहा है। जस्ट उसके नीचे की बात करते हैं, ठीक है, कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपका एंगल पे है, ठीक है ना, एंगल पे। तो एंगल वाले पे भी आपको समझना होगा कि कौन सा टैब बटन का हम यूज़ करते हैं, आपको ये भी मैं बताया हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं। क्लास में भी मैंने बोला था एंगल लेने के लिए टैब बटन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे डायमेंशन को यूज़ करने के लिए होता है। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी हैं मिरर वाले हैं, अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में मिला रहे हैं, जैसे आपको 1.12 वाले फिगर में लिखेगा इक्वल, यानी कंबाइन भी हो सकता है, इसको मिरर भी कह सकते हैं और कंबाइन भी कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव का हो जाएगा आपका प्रगति, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए एंगुलर वाला जो है, मतलब कोणीय, ये भी आपको पता ही है। अब नीचे जो है संकुचित वाला, ठीक है, संकुचित स्थानों में हैचिंग का भी यूज करते हैं, और डबल एरो रिप्रेजेंटेटिव हम गैप का भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट में देखिए 1.15 वाले में, इसमें हुआ क्या है कि 1.15 वाले में कि एक लाइन है जिसमें तीन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है वाई एक्सिस प्लेन पे, ठीक है, और एक से दूसरे तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो 5 mm है, और जस्ट उससे वहीं पे चालू हो रहा है वो भी 5 mm। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ये क्या है, संकुचन, संकुचन का यानी कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस की साइन देखिए यहाँ पे एरो जो है क्लोजेट हो गया है। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड का एरो देखिए और राइट हैंड साइड का एरो देखिए तो वो क्लोजअप में किया हुआ। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसके बगल में जो है सॉ कट 3 वाइड, ठीक है, और डिप 25। सॉ कट का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई हैच दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ पे, जैसे मैंने बताया था कि हैच का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर हैच लाइन की बीच की डिस्टेंस अगर आप डिफाइन कर दे रहे हैं, पहले के वीडियो में मैंने बताया है आपको,
अगर हैच की लाइन को आप डिफाइन कर दे रहे हैं कि उसके बीच की स्पेसिंग डिस्टेंस कितनी है या स्पेस कितना है, तो देखिए वाइड मतलब 3 mm चौड़ा हो गया और 25 mm गहरा हो गया। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। और ये जिस तरीके से एरो बना हुआ है, अगर इस तरीके का एरो बना रहे हैं तो लीडर फॉलोअर अब यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई? मैंने बताया था कि लीडर और फॉलोअर होता है, और ये भी एक जब आप टेक्स्ट टाइप करोगे तब होगा। तो धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से थियोरेटिकल समझते जाओगे और प्रैक्टिकल भी इसका मैं करवाता जाऊंगा। फिलहाल तो आप थ्योरी पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है समझने के लिए। हाँ, तो बेहतर यही है कि टाइम का आप अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ कर लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा इस तरह का। तो आज के वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर कोई डाउट अगर होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपके पास होगा, नहीं तो आप किसी के थ्रू भी ले सकते हैं जिनके पास नंबर होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी डाउट हो आप तुरंत मुझसे पूछिए, ठीक है?